चलिए तो आगे आपका डीसी सिस्टम, ठीक है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एसी मैंने बता दिया था। तो अब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके तीन तरह के सिस्टम हैं, ठीक है। पहला आपका टू वायर डीसी सिस्टम है, दूसरा है टू वायर डीसी सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ, ठीक है, और तीसरा है थ्री वायर डीसी सिस्टम। तो डीसी सिस्टम क्या होता है, एसी की तुलना में काफ़ी इकोनॉमिकल पाया जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स की संख्या घट जाती है, क्योंकि दो ही कंडक्टर लगते हैं, ठीक है, या तो पॉजिटिव और निगेटिव, यही दो कंडक्टर लगते हैं, ठीक है। और उसमें मान लीजिए कि आर वाई भी तीन कंडक्टर हैं, ठीक है, तो उसमें कंडक्टर की संख्या ज़्यादा उसमें कम होती है, ठीक है। डीसी में लॉसेज भी, इसमें डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो रहती नहीं है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के न रहने के कारण जो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एसी में होते थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण जो लॉसेज हैं वो इसमें नहीं पाया जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें अनअवेलेबल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे टू वायर डीसी सिस्टम की, ठीक है। टू वायर डीसी सिस्टम में जनरली दो वायर यूज किए जाते हैं, ठीक है, दो वायर यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। और जो आपका पॉजिटिव वायर होता है वो आउटगोइंग यानी उससे आप करेंट आउटगोइंग होता है, ठीक है, और जो निगेटिव वायर होता है वो रिटर्न अर्थ, इसको बोलते हैं रिटर्न वायर की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो वही है, सिंपल थ्योरी है इसकी, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि मैंने फिगर बना के भेजा था आप लोग को, ठीक है। तो ये आपका पूरा डायग्राम है टू वायर डीसी सिस्टम का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका डीसी जनरेटर्स लगे हैं दो, ठीक है। तो यहाँ आप ये डीसी बस बार है, एसी बस बार जैसे होता था वैसे डीसी बस बार है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जनरेटर का जो एक सिरा है वो पॉजिटिव से और दूसरा निगेटिव से, सेम उसी प्रकार यहाँ भी है, ठीक है। तो अब ये बस बार से ही डिस्ट्रीब्यूशन यानी सॉरी ट्रांसमिशन का शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है और यहाँ से आप ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये ट्रांसमिशन जो है जनरली फीडर्स के माध्यम से होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फीडर्स जो है बस बार से जुड़े हैं वो सब स्टेशन पे आते हैं, डीसी सब स्टेशन पे, ठीक है। इसमें दो प्रकार के सब स्टेशन है, या तो आप एनर्जी को एसी में आप उत्पन्न करिए, उसको फिर चेंज करके रेक्टिफायर की सहायता से डीसी में ट्रांसमिट करिए, ठीक है, और फिर जहाँ सब स्टेशन है वहाँ फिर इसको इन्वर्ट कर दीजिए यानी कि एसी में बदल दीजिए। ये थोड़ा सा कास्टली पड़ जाता है, इसलिए डीसी सिस्टम में डायरेक्ट डीसी का ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। बहुत हाई लेवल डीसी ट्रांसमिट आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मशीन में पढ़ा था कम्यूटेशन, ठीक है। कम्यूटेशन क्या होता है, ये स्पार्किंग उत्पन्न होता है, ठीक है, ब्रशेस के आसपास, ठीक। हाई वोल्टेज में क्या होता है, स्पार्किंग की समस्या डीसी में होती है, इसीलिए हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन तो होता है लेकिन बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे फीडर से देखिए सब स्टेशन जो है डीसी सब स्टेशन, ठीक है, ये सब स्टेशन बस बार है पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे यहाँ पे ये बस बार था, ठीक है। अब इसी सब स्टेशन से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े होते हैं, ठीक है, और ये हैवी लोड को डायरेक्ट आप सप्लाई दे दी जाती है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर को अलग दी जाती है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर से भी क्या होता है, फिर आपका सर्विस मेंस यानी उपभोक्ताओं को सप्लाई दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका टू वायर डीसी सिस्टम हो गया, ठीक। दूसरा आपका टू वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ डीसी सिस्टम, ठीक है। ये देखिए पूरा आपका एक अरेंजमेंट है इसका, ठीक है। यहाँ पे जनरेटर्स हैं, ठीक है, ये क्या है सीरीज में लगे हुए हैं, देखिए सीरीज में जनरेटर लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोड जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए ये सिस्टम में क्या होता है, दो कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और एक चालक जो आपका एक कंडक्टर होता है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो अर्थ बनेगा दोनों के बीच, ठीक है, अर्थ यानी कि निगेटिव सिरा, ठीक है, मिड पॉइंट अर्थ या निगेटिव सिरा ये है दोनों का, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव सिरे हैं, दोनों के पॉजिटिव सिरे हैं ये दोनों नीचे वाले, ठीक, और ये बीच वाला जो सिरा होता है वो जनरली आपका अर्थ होता है, ठीक है। और इसी अर्थ से देखिए अगर इसके और इसके सापेक्ष का वोल्टेज लिया जाए तो वीएम होगा, या इसके और इसके सापेक्ष वोल्टेज लिया जाए तो वीएम होगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपका आउटपुट मिलता है वो टू वीएम होता है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज आपका आउटपुट मिलता है वीएम इससे और वीएम इससे, यानी कि टू वीएम, ठीक है। तो आपका जो टू वायर अर्थ मिड पॉइंट सिस्टम होता है, ठीक है, वो जनरली हैवी लोड्स के लिए ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। टू वीएम की सप्लाई क्या है, ये आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, वीएम है उसका दोगुना है, ठीक है, ये वीएम यहाँ वीएम यानी टू वीएम, ठीक है। तो इसमें जो होता है मिड पॉइंट सिरा, इससे कोई कनेक्शन आप नहीं ले सकते, ठीक है, ये जनरली ग्राउंडेड होता है, ठीक है, तो इससे के बस हैवी लोड को आप सप्लाई दे सकते हैं, ठीक। तो
ये आपका जो है केवल हैवी लोड्स के लिए ही होता है, ठीक है। क्योंकि अब लोड्स दो कई प्रकार के हो सकते हैं भाई, हैवी है लो है दोनों हो सकते हैं। तो इसी कमी को दूर करने के लिए 3 वायर डीसी सिस्टम बनाया गया, ठीक है। ये बिल्कुल इसके पहले वाला जो टू वायर डीसी सिस्टम विथ अर्थ मिड पॉइंट सेम उसी प्रकार का होता है। उसमें क्या था कि मिड पॉइंट को आप यूज नहीं कर रहे थे, इसमें मिड पॉइंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 वायर डीसी सिस्टम में क्या होता है कि जो तीसरा वायर होता है ये भी आपका लाइन की तरह कार्य करने लगता है, ये नेगेटिव वायर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत हाई वोल्टेज है, ठीक है, यानी कि अगर आपको हाई वोल्टेज लोड है तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ जोड़ेंगे, यानी कि इस जनरेटर से VM वोल्टेज और इस जनरेटर से VM वोल्टेज, ठीक है। तो 2 VM ये आपका पूरे कंडक्टर में आएगा, तो यहाँ पे आप क्या आएंगे हाई वोल्टेज लोड आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको चाहिए अगर लो वोल्टेज लोड, ठीक है, तो लो वोल्टेज लोड के लिए आप क्या करेंगे किसी एक जनरेटर के पॉजिटिव सिरे से, ठीक है, और एक अर्थ मिड पॉइंट से आप कनेक्शन ले लेंगे। तो चाहे आप यहाँ लगाइए लोड लो वोल्टेज वाला, चाहे यहाँ लगाइए, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने यहाँ लगा दिया, यानी कि तीसरा वायर इसमें क्या हो रहा है यूज कर लिया जा रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले में क्या था, तीसरा वायर यूज नहीं हो रहा था, ठीक। तो 3 वायर डीसी सिस्टम में आप लोड जो हल्के लोड है उसको अर्थ वायर और किसी एक जनरेटर के पॉजिटिव वायर से जोड़ते हैं, ठीक है। अगर आपका हैवी लोड है तो उसको क्या करेंगे दोनों जनरेटर के पॉजिटिव वायर से आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 VM इसको हैवी सप्लाई मिलेगी, ठीक है, इसको सप्लाई की कितनी मिलेगी केवल VM मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका 3 वायर डीसी सिस्टम का हो गया, ठीक। तो अब देखिए जो आपका एडवांटेज है क्या होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं, हमने इससे पहले भी बताया, ठीक है। अतः डीसी लाइनों में क्या होता है इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, इसलिए इसमें पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है बहुत ही कम होता है, ठीक। वोल्टेज ड्रॉप दूसरा है, वोल्टेज ड्रॉप के कम से कम होने से डीसी लाइन में इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है बेटर होता है, वोल्टेज रेगुलेशन हमने बताया था, ठीक है। अगर एक बार लाइन को लोड में लिया जाए, एक बार लाइन को विदाउट लोड में लिया जाए, तो विदाउट लोड में अगर लाइन में जो वोल्टेज इंक्रीज होता है वही होता है वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। डीसी लाइन में कोरोना लॉस होते नहीं है, ठीक है। तो अतः आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एसी सिस्टम में कोरोना जो आपका इफेक्ट होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता था, ठीक है। चौथा है आपका है कि एक समान वोल्टेज लेवल के लिए केबल का जो इंसुलेशन होता है वो उसमें वोल्टेज स्ट्रेस एसी की तुलना में कम होता है, ठीक है। डीसी में जो वोल्टेज स्ट्रेस होता है केबल में वो कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए आइए आपका डीसी में काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। पांचवा है आपका डीसी लाइन जो होते हैं रेडियो कम्युनिकेशन सर्किट के साथ इंटरफेरेंस कम करते हैं, ठीक है, एसी की तुलना में, ठीक। डिसएडवांटेज है कम्यूटेशन की समस्या ज़्यादा होती है, हमने बताया डीसी मोटर्स में कम्यूटेशन ज़्यादा होता है, डीसी जनरेटर्स या मोटर्स में कम्यूटेशन प्रोसेस कारण क्या होता है उसके ब्रशेस के आसपास स्पार्किंग उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो अगर हाई पावर आप इससे जनरेट नहीं कर सकते उतना, ठीक है। दूसरा है कि डीसी वोल्टेज को आप आवश्यकता अनुसार स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, एसी में कर सकते थे, ठीक है। तीसरा है डीसी जनरेटर मोटर का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है। चौथा है डीसी स्विच और डीसी सर्किट ब्रेकर की लिमिटेशन, यानी कि थोड़ा कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, इसीलिए डीसी सिस्टम क्या होता है थोड़ा सा कठिन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे डीसी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने पहला नोट्स भेज दिया था, उसका भी वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।